विस्फोट की सूचना आसपास मिली है। हसनपुर भदवास में एक व्यक्ति थे जिनका ये कहना था कि जो जानकारी अब तक मिली है कि देसरी थाना अंतर्गत एक जगह पहुँच गए थे, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। वो और उनके रिश्ते में शताड़ू लगते हैं, उनकी संदिग्ध मृत्यु के बारे में है। उनके परिवार वालों का हालांकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिससे कि वस्तु की स्पष्ट हो सके। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, राजा पाकर थाना चकसीमा कल्याणपुर के एक व्यक्ति की संदिग्ध डेथ की बात आई है। उनके परिवारजनों ने जो बातें दी हैं उसके आलोक में उनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आशंका को लेते हुए सभी जगह छापेमारी कराई जा रही है, मेडिकल टीम्स घूम रही हैं। एवं मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, यदि किसी की तबीयत खराब है या इस तरह के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो निसंकोच आकर के इलाज में अपने स्थानीय प्रशासन को बोले जिससे उनका हम बेहतर इलाज करा सकें। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको कारणों के बारे में बता पाऊंगा, तब तक हम लोगों की जांच जारी चल रही है। SDPO महुआ, महनार एवं अन्य पुलिस तंत्र इसमें लगा हुआ है। छापेमारी व्यापक पैमाने पर की जा रही है किसी भी आशंका को देखते हुए, जिसमें कि भारी मात्रा में फोर्स ALTF एवं अन्य सिविल साइड एवं पुलिस साइड मिलकर कार्य कर रहे हैं। सर, कितने लोगों की मौत हुई है आपको? अभी तक 3 लोगों की मौत सामने आई है जो कि संदिग्ध में है। एक व्यक्ति के परिजनों द्वारा बताया गया है कि शायद वो शराब होने से हो सकती है, उसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं।